आज तक जीव वैज्ञानिक धरती पर रहने वाले करीब 90 लाख अलग अलग जानवरों और प्रजातियों का अस्तित्व का पता लगा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा पृथ्वी पर मौजूद जीवों की वास्तविक संख्या का सिर्फ 15% ही है। मतलब अगर हर एक दिन किसी नए जीव की खोज भी कर ली जाए, तब भी शोधकर्ताओं को कई सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे हर उस नए जीव को ढूंढने में। और इसी खोज के दौरान रिसर्चर्स तब दंग रह जाते हैं जब उनका सामना कुदरत की कुछ ऐसी रचनाओं, कुछ ऐसे जीवों से होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों का ही हिस्सा लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे जीवों को लेकर आया हूँ जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी ना तो सुना और न ही कभी देखा होगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, द पिंक फेरी आर्मडिलो। अब फेरी का मतलब ये नहीं कि ये जीव अपनी पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने लगेगा और ना ही ये आपकी किसी तरह की किसी इच्छा को पूरी कर सकता है। इसे ऐसा नाम दिया गया है इसकी इस अलग की लुक के चलते, जिसे देखकर लगता है कि मानो ये किसी परियों की दुनिया से आया हुआ कोई प्राणी है। इसका वजन आधे किलोग्राम से भी कम होने के साथ इसकी लंबाई सिर्फ 115 मिलीमीटर तक ही होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना में पाया जाने वाला ये जीव रेत में रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से इसे सैंड स्विमर नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जीव एक मछली के पानी में गोता लगाने से भी ज्यादा तेजी से जमीन में गहरे से गहरा गड्ढा करने की काबिलियत रखता है। ये जीव जमीन के अंदर रहने वाले कई तरह कि कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहता है, लेकिन चींटियां होती हैं इसकी पसंदीदा भोजन। पर आज इन जीवों का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बर्बाद होने की वजह से इनकी संख्या न के बराबर ही बची है। यही कारण है कि इस जीव को बहुत कम ही देखा जाता है और आर्मडिलोस की यह स्पेसिस विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 4, ब्लू ड्रैगन स्लग। एक भद्दा सा गिलगिला जीव होता है जो चलते समय पीछे एक चिपचिपी सी लाइन बनाता है और किसी किसी को इसे देखकर वॉमिट भी आने लगती है। मगर इन्हीं जीवों की एक प्रजाति है ब्लू ड्रैगन सी स्लग, जो दिखने में इनसे एकदम अलग और काफी अट्रैक्टिव होते हैं। अब इन्हें देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये जीव कोई एलियन क्रिएचर है और ये इस धरती का है ही नहीं, तो यही मानिए कि ये पूरी तरह से हमारी अर्थ से ही बिलोंग करता है। बस इसका ये भड़कीला रंग इसे धरती के बाकी जीवों से काफी अलग बना देता है। और हाँ, इसके रूप को देखकर इसे छूने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जीव बहुत जहरीला होता है। कहने का मतलब ये है कि इस जीव को दूर से देखकर ही कुदरत के इस अनोखे करिश्मे का आनंद लिया जाए तो बेहतर होगा। नंबर 3, जायंट आइसोपॉड्स। जिन लोगों को कीड़े मकोड़ों को देखने भर से ही डर लगता है, उनके लिए आइसोपॉड्स एक डरावने सपने के जैसा हो सकता है, क्योंकि इसका आकार एक इंसान के सर से भी बड़ा होता है। ये कीड़ा दिखने में कुछ कुछ बाथरूम में पाए जाने वाले बाकी के कीड़ों से ही मेल खाता है। बस जो इसे उनसे अलग करता है वो है यह विशालकाय शरीर। आइसोपॉड्स समुद्र की गहराई में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर ये मरे हुए जीवों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा ये काफी लंबे समय तक बिना खाए भी जीवित रह सकते हैं। इनकी बॉडी पर एक काफी हार्ड शेल होने के साथ ये आकार में 16 इंच तक लंबे हो जाते हैं। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में डीप सी जाइगेंटिज्म नाम का एक फिनोमेनम पाया जाता है, जिसके चलते वहाँ पर रहने वाले बहुत से जीव ऐसे जायंट आकार में बदल जाते हैं। साइंटिस्ट नहीं जानते कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, पर हाँ, यही कारण है इन आइसोपॉड्स के इस विशालकाय आकार के पीछे का भी। जब भी इन पर किसी तरह का कोई हमला होने लगता है तो ये अपनी शेल को गोलाकार रूप देकर एक बॉल की तरह बन जाते हैं। नंबर 2, नावेल। अगर आपसे कोई छोटा बच्चा पूछे कि यूनिकॉर्न्स क्या सच में होते हैं, तो कह देना हाँ, ये एकदम सच है, यूनिकॉर्न्स सच में होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हें समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। और अगर आप इतने लकी हुए तो आपको ये रेयर जीव जिसका नाम है नारवेल देखने को मिलेगा, जिसके सर पर पौराणिक कथाओं में दिखाए जाने वाले इस जीव यूनिकॉर्न के जैसा ही हॉर्न यानी कि सींग मौजूद होता है। नावेल अपने आप में एक बड़े ही खास तरह का रहस्यमय जीव है, क्योंकि समुद्र में मौजूद किसी जीव के पास ऐसा धरती पर रहने वाले जीवों के जैसा सींग कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा राज है। कहा जाता है कि सींग के अंदर कुछ खास तरह की शक्तियां वास करती हैं, और अफसोस इंसानों की दुनिया में इसे हासिल करने की इतनी ज्यादा होड़ लगी रहती है, जिसके चलते इस जीव का सदियों से देखते ही शिकार किया जाता रहा है। यही कारण है कि यह जीव आज धरती से विलुप्त होने की कगार पर है। वहीं साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि नावेल्स अपने सींगों का इस्तेमाल समुद्र में डायरेक्शन ढूंढने और टेम्परेचर यानी कि अपने लायक सही तापमान का पता लगाने के लिए करते हैं। नंबर 1, ब्लू फूटेड बूबी। अब एक नजर डालिए इस बर्ड के ऊपर, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी इंसान ने इसके पैरों पर पेंट किया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बर्ड कुदरती तौर पर ऐसा ही दिखाई देता है। इसके अलावा इनके पैरों का ये रंग समय समय पर बदलता भी रहता है। मान लो अगर इसने काफी समय से कुछ खाया न हो तो इसके पैरों का रंग ब्राइट ब्लू से घटकर हल्का नीला हो जाता है। इसके अलावा पक्षियों की इस प्रजाति में मेल्स फीमेल्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी अपने इन ब्राइट ब्लू लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। मेल फीमेल के सामने जाकर एक खास तरह का डांस करते
करता है जिसमें वो अपने पंखों को लहराने से लेकर पैरों को भी जमीन पर मारता है। और अगर फीमेल बर्ड को ये डांस पसंद आ जाता है तो वो भी उसका साथ देते हुए नाचने लगती है। ये नजारा देखकर लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ अनदेखे और अनोखे जीव, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही दुनिया में मौजूद अमेजिंग चीजों को एक्सप्लोर करते रहने के लिए जुड़े रहें यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली के साथ।